हेलो स्टूडेंट, आपका चल रहा है विद्युत धारिता, जिसमें आपने कर लिया था संधारित्र के बारे में संचित ऊर्जा। आज का नया टॉपिक क्या रहेगा आपका? गोलीय संधारित्र की धारिता। समझें, सबसे पहले तो आपको जब मैंने टाइप्स बताए थे, प्रकार बताए थे, तो तीन प्रकार बताए थे। पहला था आपका समांतर प्लेट संधारित्र। क्या बताया था? समांतर प्लेट संधारित्र। दूसरा बताया था गोलीय संधारित्र। और तीसरा था आपका बेलनाकार संधारित्र। और बेलनाकार संधारित्र आपका क्या था कि वो सिलेबस में नहीं था, लेकिन आपको मैं फॉर्मूला बताएंगे, उस फॉर्म अगर कोई न्यूमेरिकल आता है उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, संधारित्र क्या होती है? दो चालक प्लेटें होती हैं। क्या होती हैं? दो चालक प्लेटें होती हैं। एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो समझें, जब समांतर प्लेट संधारित्र था तो समांतर दो प्लेटें थी, एक पॉजिटिव प्लेट थी और सेकेंड क्या थी आपकी? नेगेटिव प्लेट थी। ये प्लेट ए और ये प्लेट बी, और प्लेट बी को क्या करते हैं अपन? भू संपर्कित कर देते हैं। यही था आपका। तो नेक्स्ट देखिए, इसमें आज अपन पढ़ेंगे स्फेरिकल यानी गोलीय संधारित्र। तो इसमें गोलाकार कितनी प्लेटें होंगी? दो प्लेटें होंगी। गोलाकार कितनी प्लेटें होंगी? दो। और प्लेटें क्या होती हैं? चालक होती हैं। क्या होती हैं? चालक। तो देखिए, एक प्लेट ए ली और दूसरी प्लेट बी ली, या तो इस प्रकार बोले, या एक गोला ए लिया और दूसरा गोला क्या लिया? बी। और इन दोनों का केंद्र एक ही है, तो ये दोनों गोले कैसे हैं आपके? सहकेंद्रीय हैं। क्या हैं? सहकेंद्रीय। तो देखिए, इसमें इसको जो गोला ए है इसको पॉजिटिव चार्ज दिया गया, तो यानी प्रेरण विधि के द्वारा यहाँ कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये नेगेटिव चार्ज। इस पर प्लस क्यों चार्ज है, इस पर कितना है? माइनस क्यों चार्ज है। अभी हाल फिलहाल आप इतना समझें कि इसको पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है प्लस क्यों, और प्रेरण विधि द्वारा इस पर कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज, माइनस चार्ज आ जाता है। ठीक है, ये मैं बाद में बताऊंगा डेरिवेशन करने के बाद कि ये आता कैसे है और कहाँ आएगा और कितना आएगा। ठीक है, इतना है नहीं आपके, लेकिन फिर भी इसका डिसीजन यानी इसके बाद डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, यहाँ प्लस क्यों चार्ज है, यहाँ प्रेरण विधि द्वारा कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। इसकी त्रिज्या कितनी है? R1, और इसकी त्रिज्या कितनी है? R2। जब इसको जो गोला B है उसको क्या किया आपने? भू संपर्कित किया, पृथ्वी से जोड़ा, तो इसका जो यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, विद्युत विभव है, कितना हो जाएगा? जीरो। कितना हो जाएगा? जीरो। तो यानी वी बी इज इक्वल टू कितना होगा? जीरो। यानी जिस भी जब किसी चालक को पृथ्वी से जोड़ा जाता है तो पूरा का पूरा चार्ज है या उसका पूरा वोल्टेज है वो कहाँ चल जाता है? पृथ्वी में चल जाता है। तो उसका विद्युत विभव कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है। ये आप जानते हैं कि जैसे ही पृथ्वी से जोड़ा जाएगा इस गोले बी का विद्युत विभव कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, इसमें वोल्टेज जीरो होगा। ठीक है, अब समझें इसकी क्या निकालनी है आपको? धारिता निकालनी है। तो देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। जहाँ भी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, यानी विद्युत क्षेत्र होगा। तो बताए, विद्युत बल रेखाएं कहाँ से निकलती हैं? पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पर क्या होती हैं? समाप्त होती हैं। तो बताओ, ये बताओ, यहाँ से ये क्या होगा आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र होगा या नहीं होगा? ये आपका विद्युत क्षेत्र है। यह आपका हो गया विद्युत क्षेत्र, होगा या नहीं होगा? अब देखिए, विद्युत क्षेत्र होगा कहाँ? गोला ए और गोला बी से जो बाउंडेड एरिया है, परिबद्ध क्षेत्र है, उसमें क्या होगा आपका? विद्युत क्षेत्र होगा। और विद्युत, ये क्या है आपकी? विद्युत बल रेखाएं। क्या है? विद्युत बल रेखाएं, जो पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव पर समाप्त होती हैं। अब जब इसमें विद्युत क्षेत्र है, क्या है इसमें? विद्युत क्षेत्र। तो इसमें विद्युत विभव भी होगा। क्या होगा? विद्युत विभव। तो इसका विद्युत विभव कितना है? जीरो। तो बताओ, इसका जो गोला ए है इसका क्या होगा? विद्युत विभव होगा। इसका भी होगा और इसका कितना हो गया? जीरो। दोनों का क्या निकालेंगे? अंतर। तो उसे क्या कहेंगे अपन? विभवांतर। क्या कहेंगे? विभवांतर। और आप धारिता निकाल लिए, धारिता इजिकल टू किससे दर्शाते हैं? सी इजिकल टू क्या होगा? क्यू अपॉन वी। क्यू का मान है अपने पास कितना चार्ज दिया गया इसको? क्यू चार्ज दिया गया। वी का मान क्या है? विभवांतर का मान। इन दोनों से निकाल लेंगे। तो देखिए, समझे, इसका तो निकालना है ही नहीं क्योंकि इसका तो कितना हो गया? जीरो। गोले बी का विद्युत विभव कितना हो गया? जीरो, क्योंकि इसको तो किससे जोड़ दिया? पृथ्वी से जोड़ दिया। और पृथ्वी से जब भू संपर्कित कर देते हैं तो उसका जो वोल्टेज है वो कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है। क्लियर है? अब इसमें जो यानी विद्युत विभव होगा वो किसका होगा? ए का होगा। अब बताओ, इसमें यहाँ कितने चार्ज प्रेजेंट हैं? दो चार्ज, एक तो प्लस क्यों है और एक क्या है? माइनस क्यों। तो विद्युत विभव एक तो प्लस क्यों के कारण भी होगा और किसके कारण भी होगा? माइनस क्यों के कारण भी होगा। तो देखिए,
गोले ए पर विद्युत विभव, गोले ए पर विद्युत विभव वी ए। अब बताओ इस पर जो गोला ए है उस पर कितने आवेशों के कारण विद्युत विभव होगा? दो आवेशों के कारण, एक तो प्लस क्यू के कारण और एक माइनस क्यू के कारण। देखो प्लस क्यू के कारण बोले या गोले ए के खुद के कारण बोले, सेम ये वर्ड। जो गोला ए है उस पर कितना चार्ज है? प्लस क्यू। तो या तो ये बोलो कि प्लस क्यू चार्ज के कारण आवेश के कारण विद्युत विभव, या गोले ए के कारण विद्युत विभव खुद के कारण। तो देखिए प्लस क्यू चार्ज के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण गोले ए पर विद्युत विभव कितना हो जाएगा? इसको किस चीज मान लिया आपने? वी वन। किससे? वी वन। और विद्युत विभव ये देखिए प्लस क्यों चार्ज है आपका, ये गोले ए की क्या किस पर है? सतह पर है। किस पर है? सतह पर। और सतह पर विद्युत विभव का मान कितना होता है? के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर। तो यहाँ से वी वन कितना हो जाएगा? के क्यू। आर की वैल्यू बताओ कितनी है यहाँ? आर वन। कितनी है? आर वन। तो ये कितना हो गया आपका? आर वन। समीकरण नंबर कितना हो गया? एक। देखो प्लस क्यू के कारण बोले या गोले ए के स्वयं के कारण विद्युत विभव बोले तो कितना होगा? के क्यू अपॉन आर वन। नेक्स्ट देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण गोले ए पर विद्युत विभव वी टू इजिकल टू कितना हो जाएगा? के क्यू की जगह कितना है आपका? माइनस क्यू। देखो इसके कारण बोले, देखो माइनस क्यू के कारण बोले या ये चार्ज किस पर उपस्थित है? गोले बी पर। तो गोले बी के कारण गोले ए पर विद्युत विभव बोले, या डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो माइनस क्यू आवेश के कारण गोले ए पर विद्युत विभव। तो क्या होगा? वही के क्यू अपॉन आर ही होगा। विद्युत विभव क्या होता है? के क्यू अपॉन आर। तो बताओ के की जगह के लिख दिया, क्यू का मान कितना है? माइनस क्यू। आर का मान बताइए, यहां से माइनस क्यू से डिस्टेंस कितनी है आपकी? आर टू। कितनी है? आर टू। तो ये आर टू हो जाएगा। यहां से वी टू इजिकल टू कितना हो जाएगा? माइनस के क्यू अपॉन आर टू। इक्वेशन नंबर कितनी हो जाएगी? दो। आ गया समझ में? तो देखिए गोले ए पर कितने विद्युत विभव मिले आपको? दो, एक तो प्लस क्यू के कारण और एक माइनस क्यू के कारण। तो यानी उनको एक वी वन मान लिया, दूसरा क्या मान लिया? वी टू। तो आपसे पूछा जाए जो गोला ए है उस पर कुल विद्युत विभव कितना होगा? वी वन प्लस वी टू। हो गया या नहीं होगा? तो देखिए गोले ए पर कुल विद्युत विभव, गोले ए पर, गोले ए पर कुल विद्युत विभव, कुल विद्युत विभव किससे डिनोट कर रखा है आपने? वी ए से। किससे? वी ए। वी ए इजिकल टू कितना हो जाएगा? वी वन प्लस वी टू। होगा या नहीं होगा? प्लस क्यू के कारण भी और माइनस क्यू के कारण भी। तो वी ए इजिकल टू वैल्यू पुट करें कितना हो जाएगा? के क्यू अपॉन आर वन और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस के क्यू अपॉन कितना हो जाएगा? आर। होगा या नहीं होगा? के क्यू क्या ले लिया? कॉमन। तो वी ए इजिकल टू क्या आएगा? के क्यू। यहाँ कितना हो जाएगा? वन अपॉन आर वन प्लस गुणा माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। ये कितना हो जाएगा? वन अपॉन आर। यहाँ क्या ले लिया? एलसीएम। वी ए इजिकल टू क्या हो जाएगा? के क्यू। एलसीएम कितना आया? आर वन आर टू। तो यहाँ कितना हो जाएगा? आर टू माइनस आर वन। ये ध्यान रखें आप, चाहे तो यहाँ आर टू माइनस आर वन हो, चाहे यहाँ आर वन माइनस आर टू हो। कैसे? अगर मान लीजिए आपने इस त्रिज्या को क्या माना है? आर टू माना है, तो इसको कितना है? आर टू वन होगा। कहने का मतलब ये है कि बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या घटेगी। होगा या नहीं होगा? क्योंकि यहाँ आप आर टू मानोगे, यहाँ आर वन मानोगे, तो क्या आएगा आंसर? आर वन माइनस आर टू। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? जैसे माना है आपने, तो बड़ी त्रिज्या माइनस है छोटी त्रिज्या। क्लियर है? तो आप आर वन माइनस आर टू लिखो, चाहे आर टू माइनस है आर वन, जैसे यहाँ माना है वैसे ही लिख देना है। तो देखिए यहाँ से ये समीकरण कितनी हो गई आपकी? तीन। गोले बी पर विद्युत विभव, गोले बी पर विद्युत विभव
बताइए कितना हो जाएगा, वी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। क्यों हो जाएगा, क्योंकि क्या है ये भूसंपर्कित है। क्या है, भूसंपर्कित। और जब भी किसी चालक को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है तो उसका वोल्टेज कितना हो जाता है, विद्युत विभव कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इसको भूसंपर्कित कर रखा है तो क्या हो जाएगा, इसका वोल्टेज जीरो हो जाएगा। अब क्या निकालेंगे अपन, विभवांतर। क्या निकालेंगे, विभवांतर। या तो आप डेल वी से दर्शाएं, किसे दर्शाएं, डेल वी से, या इसको क्या मान सकते हो, वी मान सकते हो। तो क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी, दोनों गोले के विभव का अंतर क्या होगा, यानी विभवांतर होगा, होगा या नहीं होगा। तो देखिए वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी ए की वैल्यू कितनी है, के क्यों अपॉन, यहाँ से के क्यों ब्रैकेट क्या लगाया आपने, आर टू माइनस आर वन अपॉन आर वन इंटू आर टू, माइनस कितना हो जाएगा, जीरो। वी बी कितना हो जाएगा आपका, जीरो। तो बताओ फाइनल वी इज इक्वल टू कितना आया, के क्यों आर वन आर टू माइनस आर वन अपॉन आर वन इंटू आर टू, समीकरण नंबर चार। देखिए किसका मान आ गया, V का मान आ गया, और Q का मान अपने पास है, कितना चार्ज दिया गया, कैपिटल Q चार्ज दिया गया। तो किसकी परिभाषा से अब करेंगे, धारिता की परिभाषा से। देखिए यहाँ कर रहे हैं, धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा क्या होती है आपकी, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो देखो क्यू का मान है और V का मान है, तो किससे, समीकरण चार से, समीकरण चार से कितना हो जाएगा, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन के क्यों, कितना आएगा, आर टू माइनस आर वन अपॉन आर वन गुणा आर टू। क्यों से क्यों क्या होगा, कैंसिल, आर वन आर टू कहाँ चल जाएगा, ऊपर। तो देखिए सी इज इक्वल टू आर वन आर टू, के इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, के बराबर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। तो के की जगह क्या हो जाएगा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ कितना हो जाएगा, आर टू माइनस आर वन, ये भी कहाँ चल जाएगा, ऊपर। तो लास्ट स्टेप क्या बनेगी, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर वन आर टू अपॉन आर वन माइनस आर टू माइनस आर। ये क्या आ गई आपकी, गोलीय संधारित्र की धारिता। अब समझे इसको, R1 और R2 का मान जितना बड़ा होगा तो उनका गुणनफल भी उतना ही बड़ा होगा। जब ये मान जितना बड़ा होगा तो ये दोनों आपस में क्या है, समानुपाती है। क्या है, समानुपाती। तो बताओ धारिता का मान कम होगा या ज्यादा होगा, ज्यादा। तो यानी ये जो गोले लिए हैं अपन ने, जो सेकेंडरी गोले लिए हैं, इनकी त्रिज्या जितनी अधिक होगी धारिता का मान उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। क्लियर है। बट यहाँ क्या लिख रहा है, R2 माइनस R1, तो ये बीच का जो गैप है ये क्या है आपका, R2 माइनस R1 ही है। तो दोनों त्रिज्याएं बड़ी हों लेकिन दोनों पास पास होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पास पास। जैसे मान लीजिए एक की ले ली आपने 50 मीटर और दूसरे की ले ली 52 मीटर, तो बताइए 50 52 माइनस 50 कितना होगा, दो ही होगा। तो देखिए ये बड़ी हैं, 50 और 52 बड़ी त्रिज्याएं हैं, लेकिन इन दोनों का अंतर क्या है, कम है। तो अंतर को कम रखेंगे, ये मान कम होगा तो धारिता का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस फॉर्मूले से क्या निष्कर्ष निकला आपका, कि जो आपने सेकेंड, जो आपका जो गोलीय संधारित्र होता है उसमें जो गोले लेते हैं उनकी त्रिज्याएं क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, लेकिन दोनों त्रिज्याओं का मान पास पास होना चाहिए, जिससे बीच का गैप क्या हो जाए, कम हो जाए। और बीच का गैप कम होगा तो यानी विद्युत धारिता उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। आया समझ में, नहीं आया ये, तो ये क्या होगी आपकी, गोलीय संधारित्र की धारिता, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वन आर टू अपॉन आर टू माइनस आर वन। ठीक है, तो देखिए फिर से एक बार समझ लें। फिर इसमें ये है कि नेगेटिव चार्ज कैसे आता है, कहाँ आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो होगा, ये सब लॉजिकल बातें बताएंगे आपको। देखिए दो गोले हैं, एक गोला ए है, सेकेंड गोला क्या है आपका बी। गोले ए को कौन सा चार्ज दिया गया, पॉजिटिव चार्ज दिया गया। तो इंडियन प्रेरण विधि द्वारा गोले बी पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और गोला बी है उसको क्या कर रखा है, भूसंपर्कित कर रखा है, तो इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, विद्युत क्षेत्र बनेगा, विद्युत क्षेत्र होगा तो विद्युत विभव होगा, और विद्युत विभव होगा तो धारिता होगी। ठीक है, तो देखिए बी का विद्युत विभव कितना है, जीरो। किसका विद्युत विभव निकालना है, ए का। तो इसमें एक तो प्लस क्यू के कारण और एक माइनस क्यू के कारण, तो प्लस क्यू के कारण कितना होगा, के क्यू अपॉन आर वन,
माइनस क्यू के कारण कितना होगा, माइनस के क्यू अपॉन आर टू। तो गोले ए पर कुल विद्युत विभव कितना हो जाएगा, वी ए इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू। तो क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर वन माइनस के क्यू अपॉन आर टू, प्लस गुणा माइनस क्या हो जाएगा माइनस। के क्यू क्या ले लिया कॉमन, तो क्या बनेगा, के क्यू कॉमन लेते ही वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। आ गया समझ में, जैसे एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, के क्यू नीचे क्या होगा आर वन आर टू, ऊपर क्या हो जाएगा आर टू माइनस आर वन। जो त्रिज्या बड़ी है उसमें से किसको घटा देंगे, छोटी को घटा देंगे। तो आपका वी ए की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, के क्यू आर टू माइनस आर वन अपॉन आर वन इंटू आर टू। वी ए का मान आ गया, और वी बी का मान कितना है आपका वहाँ जीरो, तो विभवांतर कितना आ गया वी ए माइनस वी बी, तो वी बी जीरो हो गया, तो किसके बराबर आ गया, वी ए के बराबर आ गया, वी का मान आ गया। तो धारिता की परिभाषा क्या है, क्यू अपॉन वी, क्यू का मान है, वी का मान है, सी का मान निकालना है। तो क्यू अपॉन के क्यू ब्रैकेट आर टू माइनस आर वन अपॉन आर वन इंटू आर टू, तो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, ये कहाँ चल जाएगा ऊपर, और के इजिकल टू क्या होता है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये भी ऊपर चल जाएगा। तो फाइनल गोली संधारित्र की धारिता कितनी आई, सी इजिकल टू फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर वन आर टू अपॉन आर टू माइनस आर वन। आ गया समझ में, अब समझे, ये डेरिवेशन था गोलीय संधारित्र की धारिता। अब देखिए जो भी इसमें सोचने वाली बात है, लॉजिकल बातें हैं, वो क्या हैं उसके बारे में अपन बात करते हैं। फॉर्मूले से क्या हुआ कि दोनों जो गोले लिए, सेकेंडरी गोले लिए, उनकी त्रिज्याएं क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, पर क्या होना चाहिए कि दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, जब ही उसकी धारिता क्या होगी, अधिकतम होगी। अब समझे, आपने एक गोला क्या था आपका ए, और दूसरा गोला क्या है आपका बी। पहला तो ये ए है, इसकी त्रिज्या कितनी है आपकी आर वन, इसकी कितनी त्रिज्या है आपकी आर टू। पहली बात तो ये है कि जब ये गोला अंदर है तो ये अगर खोखला होगा या ठोस होगा, ये तो फिक्स है कि ये भी चालक होगा और ये भी चालक होगा, कि क्योंकि दो चालक लेते हैं किसमें, संधारित्र में। आ गया ये समझ में। अब ये गोला इस गोले के अंदर है तो ध्यान रखना ये ठोस भी हो सकता है और यानी खोखला भी हो सकता है, कौन सा गोला ए, बट बी है वो कौन सा होगा, केवल खोखला होगा, क्योंकि उसमें किसको एडजस्ट करना है आपको, यानी ए को एडजस्ट करना है। आ गया दूसरी बात क्या है कि इसको प्लस क्यों चार दिया जाता है, कितना चार दिया जाता है, प्लस क्यों चार दिया जाता है, तो चार देने का मेथड क्या होगा, अगर मान ली मैं यहाँ से वायर जोड़ेंगे तो वो चार्ज बी में भी जाएगा, तार इससे कनेक्ट भी होगा, तो इसको चार देने के दो तरीके हैं, कितने तरीके हैं दो, वो कौन कौन से तरीके हैं, कि एक तरीका तो ये है कि कॉपर का वायर इससे कनेक्ट करके यहाँ यहाँ एक रबड़ रिंग के थ्रू इसको कॉपर के तार को क्या किया, पास किया, और ये पॉजिटिव और ये बैटरी का नेगेटिव। जब रबड़ रिंग है वो इंसुलेटर है, क्या है इंसुलेटर, तो इस जो बी आपका गोला है उसमें चार्ज का फैलो नहीं करने देगा, केवल कहाँ देगा चार्ज को, यानी ए गोले पर देगा, तो ए गोले पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये हो गया आपका, ठीक है। एक तरीका तो है ये, दूसरा तरीका क्या है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जब संधारित्र से, समांतर प्लेट संधारित्र से बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव प्लेट से, नेगेटिव टर्मिनल दूसरी प्लेट से, तो पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव देगा, नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव देगा, तो अगर मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर दूं बैटरी से, ये बैटरी और इसको, तो ये पॉजिटिव और ये क्या है नेगेटिव, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव, और इस पर कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव, ठीक है। या तो ऐसे जोड़े और या बैटरी को इन दोनों के बीच में जोड़ दें। तो देखिए यहाँ ये आपका क्या है ग्राउंड है, तो इसका वी बी इजिकल टू कितना है जीरो। अभी तक तो आपने क्या देखा कि जब इसको पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है तो प्रेरण विधि के द्वारा इस पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, ये देखा। बट आप प्रेरण विधि नहीं जानते तो आपको इसको डेरिवेशन से ही देखना है कि इस पर कौन सा तो चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, और कितना आएगा, है ना क्वेश्चन। तो देखिए डेरिवेशन से कैसे करेंगे, ये अपन जानते हैं कि जब किसी भी चालक को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है तो उसका वोल्टेज कितना हो जाता है जीरो। तो देखिए समझें, अगर यहाँ कोई, इस पर मान लीजिए अपन को पता नहीं है कितना आवेश आएगा, मान लीजिए क्यों आएगा, कितना आएगा क्यों, तो बताओ इस पर गोले बी पर कितने विद्युत विभव होंगे, दो, एक तो इस जो पॉजिटिव चार्ज दिया उसके कारण, पॉजिटिव चार्ज दिया उसके कारण, और एक ये क्यों चार्ज है उसके कारण, होगा या नहीं होगा, तो बताओ इसके कारण कितना होगा भाई, ये डिस्टेंस कौन सी काउंट करेंगे अपन, आर टू ही काउंट करेंगे, तो देखिए कितना होगा के क्यू अपॉन आर टू, होगा या नहीं होगा। दूसरा किसके कारण होगा, इस स्मॉल क्यू के कारण भी, जो अपन ने माना है क्यू का मान ही तो निकालना है, तो कितना होगा के क्यू अपॉन आर टू,
क्योंकि इस पर निकालना है यहाँ से दूरी, इसमें भी पहले वाले में भी R2 है और दूसरे वाले में भी कितनी है R2। इन दोनों विभव का मान कुल मिला के VB पर विभव है ये, और VB का मान कितना है आपका जीरो, कितना है जीरो, तो ये जीरो हो गया। के अपॉन R2 क्या ले लिया आपने, कॉमन, के अपॉन R2 क्या ले लिया कॉमन, क्यों प्लस क्यों इजिकल टू कितना हो जाएगा जीरो, तो ये किस में चल जाएगा जीरो में, तो क्यों प्लस क्यों बराबर क्या आएगा जीरो, और क्यों बराबर क्या आ जाएगा माइनस है क्यों, बताओ मान आया या नहीं आया, कि इस क्यों का मान गोले बी पर, गोले बी पर कितना आएगा विभव, यानी जो आवेश आएगा वो क्या आएगा क्यों आएगा, और वो कौन सा आएगा ऋणात्मक आएगा। तो ये तो फिक्स हो गया कि यहाँ जब इसको प्लस क्यों चार्ज देंगे तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा माइनस क्यों आएगा, ये डेरिवेशन से हो गया, आ गया समझ में। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि माइनस क्यों चार्ज आएगा, और ये आपको पता है चालक है, क्या है ये चालक, और आवेश चलकर चालक में कहाँ जाता है सतह पर आ जाता है, कहाँ जाता है सतह पर, तो ये आवेश सतह पर यानी आउटर होगा या इनर होगा, यानी बाहरी सतह पर होगा या अंदर की सतह पर होगा, ठीक है। सीधा सा लॉजिक तो ये है कि जब ये धनावेश है और ये क्या है ऋणावेश, धनावेश और ऋणावेश के बीच में क्या होता है आकर्षण होता है, जब ये धनावेश इस ऋणावेश को खींचेगा तो कौन सी सतह पर आ जाएगा ये अंदर की सतह पर आ जाएगा, कौन सी सतह पर आ जाएगा अंदर की सतह पर। ये तो हुआ आपका जो आप जानते हैं कि आकर्षण की वजह से कहाँ आएगा अंदर की सतह पर आएगा। अगर मान डेरिवेशन के थ्रू देखें कि ये बाहर की सतह पर होगा या अंदर की सतह पर होगा तो वो कैसे होगा, देखिए आप जानते हैं ये कोई भी चालक है तो आवेश चलकर कहाँ जाएगा सतह पर आ जाएगा, तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है जीरो, ये जानते हैं आप। तो बताइए जैसे ही मैं चालक भी लिया, चालक गोला भी लिया, तो इसके अंदर में यहाँ एक पॉइंट लो, अंदर इनर साइड पर एक पॉइंट लिया, तो इस पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा जीरो होगा, कितना होगा जीरो, क्योंकि जो बी गोला है वो क्या है आपका चालक है, क्या है चालक, और चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है जीरो। अब इस पर मान ली विद्युत क्षेत्र की मैं बात करता हूँ, तो मान लीजिए यहाँ आपका ये क्या हो गया गाउसियन पृष्ठ हो गया, भाई इस पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, आपको पता है जीरो हुआ, गाउस प्रमेय क्या कहती है आपकी समाकलन EdS cos थीटा इजिकल टू क्या होता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है या नहीं। तो देखिए यहाँ कि इसमें आपको पता है कि ये क्यों माइनस क्यों आवेश को देखना है कि ये बाहर होगा या अंदर होगा, तो देखिए यहाँ विद्युत क्षेत्र कितना है इसके अंदर जीरो, गाउसियन पृष्ठ से संबंधित विद्युत क्षेत्र कितना है जीरो है, तो जीरो कब होगा, जीरो कब होगा जब सिग्मा क्यू का मान कितना हो जीरो हो, तभी तो विद्युत क्षेत्र का मान जीरो आएगा, ठीक है। और सिग्मा क्यू कब होगा कि इसमें प्लस क्यू चार्ज तो है और इसके साथ कौन सा चार्ज और लगे माइनस क्यू चार्ज और लगे, तो प्लस क्यों चार्ज और माइनस क्यों चार्ज कितने हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे। तो बताओ यहां अंदर की साइड कौन सा आवेश और होना जरूरी है माइनस क्यों आवेश का होना जरूरी है, तभी सिग्मा क्यों का मान कितना होगा जीरो होगा, तभी विद्युत क्षेत्र कितना आएगा जीरो आएगा, आ गया। तो ये गाउस की नियम से, गाउस की जो प्रमेय है या गाउस का नियम है उससे देख लिया कि माइनस क्यों कहां होगा अंदर की साइड होगा, कहां होगा अंदर की साइड। देखो हिंदी में देखो ये प्रेरण विधि के द्वारा माइनस क्यों आएगा, डेरिवेशन के द्वारा ऐसे आएगा, आकर्षण के द्वारा आंतरिक सतह पर होगा वो तो हिंदी के द्वारा यानी जो जानते डेफिनेशन, और यानी डेरिवेशन से ऐसे होगा गाउस की प्रमेय से, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या बनता है इसमें, देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी क्या होंगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगे या विद्युत क्षेत्र होगा, क्या होगा ये विद्युत क्षेत्र पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, तो बताइए समान विद्युत या समरूप विद्युत क्षेत्र होगा या असमरूप विद्युत क्षेत्र होगा, समरूप विद्युत क्षेत्र होगा या असमरूप विद्युत क्षेत्र होगा। देखिए समझे, समरूप विद्युत क्षेत्र वो विद्युत क्षेत्र होता है, ये आपकी क्या होती है विद्युत बल रेखाएं होती हैं, क्या होती हैं विद्युत बल रेखाएं, तो सभी जगह ये दूरियां क्या हो बराबर हो तो वो क्या होता है समरूप होता है। तो देखिए इसमें ये विद्युत बल रेखाएं मैंने खींची, तो बताओ यहाँ दूरी अलग है, यहाँ दूरी क्या है अलग है, तो बताओ ये समरूप होगा या असमरूप, असमरूप होगा। तो ध्यान रखना कि गोलीय संधारित्र में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो क्या होता है असमान होता है, क्या होता है असमान। तो ये था आपका गोलीय संधारित्र, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे कि कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर या ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर यानी उसका संयोजन, संधारित्रों का संयोजन वो क्या होगा श्रेणी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही सफिशियंट है, थैंक यू सो मच।